Welcome back to Legal Ways. We will be starting with a new series of Law and Justice in a Globalized World. Of which we are here with the very first video within the series, wherein we will be explaining the three concepts and the key difference among them that is, universalism, internationalism, and globalization. Ye teen प्रिंसिपल्स का जो नोशन है वो रिप्रजेंट करता है हाउ द ग्लोबल अफेयर्स शुड वर्क इनके खुद के अपने अलग अलग करेक्टरिस्टिक्स और एप्लीकेशन है लेट्स यू वन बाई वन जो यूनिवर्सलिज्म है टैट रिप्रजेंट द यूनिवर्सल प्रिंसिपल हमें वर्ड समझ में आया यूनिवर्सल यूनिवर्सल मीन सेम सेम वैल्यूस एंड राइट्स टू ऑल इंडिविजुअल्स हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे कि वो कौन से नेशनैलिटी के कौन से कल्चर से बिलोंग करता है वी विल बी हैविंग यूनिवर्सल सेट ऑफ प्रिंसिपल्स जो सब में फॉलो होगा द एग्जाम्पल फॉर दिस इज यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट द सेकेंड प्रिंसिपल हियर इन इज इंटरनेशनलिज्म इंटरनेशनलिज्म बोलते हैं कि वो प्रमोट करता है कॉपोरेशन को सी इट्स वेरी नॉर्मल टू हैव कन्फ्लिक्ट हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में भी होते हैं वैसे ही कन्फ्लिक्ट दो नेशंस के बीच में भी होना मामूली सी बात है लेकिन हम उस कन्फ्लिक्ट को सॉल्व किस तरीके से करते हैं डैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इट सीज दैट हमें कन्फ्लिक्ट रेसोल्यूशन के लिए ट्रीटीज़ और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और डिप्लोमेटिक रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए इट प्रमोट्स कॉपोरेशन वो कहता है अगर नेशंस के बीच में कॉपोरेशन होएगी ना और वो ये सारे के सारे ट्रीटीज वगैरह साइन करेंगे और कॉमन टर्म्स पे आएंगे और कॉपोरेशन होएगी तो इट तो वुड तो बी वेरी ईजी इसका जो प्रिंसिपल होगा सॉरी उसका जो एग्ज़ाम्पल होगा टैट कैन बी डब्ब्ल्यू डी ओ यू कैन सी जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑर्गेनाइजेशन कितने वास लेवल पे हैं और वो कितने सारी कंट्रीज को गवर्न करती हैं तो इसका एग्जाम्पल डब्ल्यू डी ओ है नेक्स्ट इस ग्लोबलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन हम ट्वेल्थ से भरते हुए आ रहे हैं ग्लोबलाइजेशन मीन्स इंटरकनेक्टनेस जो डिफरेंट नेशंस हैं उसके बीच में जो ट्रेड है हम अपना जो सामान हमारे पास अच्छा है वो हम दूसरे कंट्रीज में सप्लाई कर रहे हैं जिसके पास वो नहीं है इट मींस जो कंट्री की इकोनॉमी है कल्चर है टेक्नोलॉजी है वो सब हम दूसरे कंट्री को दें उसके अंदर ग्लोबल ट्रेड मल्टीनेशनल नेशनल कॉर्पोरेशन और कल्चरल इन्फ्लुएंस के बारे में बात होती है ग्लोबलाइजेशन में नॉन लेट सीधा की डिफ्रेंसिस अमंग दी थ्री जो यूनिवर्सलिज्म होता है वो फोकस करता है यूनिवर्सल सेट ऑफ वैलिड एथिकल एंड मॉरल प्रिंसिपल्स प्रिंसिपल्स होंगे जो मॉरल होंगे और एथिकल होंगे और सारे कंट्री को वो फॉलो करना है जो इंटरनेशनलिज्म होता है ऑन द अदर हैंड वो फोकस करते हैं डिप्लोमेटिक कारपोरेशन बिटवीन द नेशन एंड ग्लोबलाइजेशन वी नो डैट वो करता है कि इंटरकनेक्टेडनेस हो ऑफ इकोनॉमीज एंड कल्चर एट इंटरनेशनल लेवल द सेकेंड की डिफरेंस विल बी जो यूनिवर्सलिज्म होता है वो प्राइमरी मॉरल और एथिकल फ्रेमवर्क को सपोर्ट करता है कि जो प्रिंसिपल्स है वो मॉरली एंड एथिकली करेक्ट हो लाइक जो हमारे डेक्लरेशन है ऑफ़ ह्यूमन राइट्स ये सही यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन डेक्लेशन की ये राइट्स सबके पास होनी चाहिए वैसे ही मॉरल एथिकल फ्रेमवर्क पे इसका वर्क होता है वेर इंटरनेशनल के अंदर पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक अप्रोच भी होता है क्योंकि हम कंफ्लिक्ट रिजॉल्विंग मैकेनिज्म की बात कर रहे होते हैं कॉपरेशन की बात कर रहे होते हैं हम मैं और चाइना में रहने वाला बनता तो अब यहाँ से कॉपरेट नहीं कर सकता ना वो तो हमारे गवर्नमेंट को ही देखना है ना तो पॉलिटिकल एंड डेमो अप्रोच इंटरनेशनलिज्म में आ जाता है वेरस ग्लोबलाइजेशन के अंदर इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ द वर्ल्ड की बात की जाती है थर्ड की डिफरेंस कैन बी जो यूनिवर्सल होता है वो मेनली एम्फोसाइज करता है ह्यूमन राइट्स और शेयर्ड वैल्यूज पे जो इंटरनेशनलिज्म वो बात करते हैं कोलेबोरेशन कॉपरेशन के बारे में और जो कॉपोरे ग्लोबलाइजेशन होता है वो हाईलाइट करते हैं कि अगर हमारी इंटीग्रेशन हो रही है इकोनॉमिक्स की एट इंटरनेशनल लेवल तो फिर इंटरडिपेंडेंस ऑफ द नेशन होती हैं इन समरी जो ये तीनों कॉन्सेप्ट हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड तो हैं ही लेकिन उन तीनों के अपने खुद के अलग अलग मीनिंग भी हैं तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो फ यू रिवाइज यूनिवर्सलिजम फोकस करते हैं प्रिंसिपल सो सभ्य सब्बे लगेंगे इन रिस्पेक्टिव ऑफ विच नेशन दे बिलोंग इंटरनेशनल रेफर टू कोलाबोरेशन एंड कॉपोरेशन अमंग द कंट्रीज एंड कोलाबोरेशन रेफर टू ग्लोबल इंटर कनेक्टेडनेस और राइट थैंक यू आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा yeah.